तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस यदि आप भी इंडी बैंक के कस्टमर केयर से डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं तो गाइस आपसे डायरेक्ट कॉल पर बात कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि गाइस नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में डायलर पैड को ओपन कर लेना है। ओपन करते गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस आपको एक नंबर डायल कर लेना होता है 1-860-26-7777। ये जो नंबर है इंडी बैंक का कस्टमर केयर नंबर है। तो गाइस आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना होता है। कॉल करने के बाद आपको इस कॉल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है, तभी गाइस आप इंडी बैंक के कस्टमर केयर से डायरेक्ट कॉल पर बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं इस नंबर पर कॉल कर लेता हूँ। कॉल को गाइस मैं स्पीकर पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको 4 दबा देना है। तो यहाँ पर गाइस आपको 5 दबा देना है। तो यहाँ पर गाइस आपको 4 दबा देना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना होता है, फिर गाइस हमारा जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली कस्टमर केयर वाला कनेक्ट कर लेगा। फिर गाइस आपका जो कॉल आप जो है कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर लेंगे कि गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम है इंडी बैंक से रिलेटेड, तो गाइस आप उससे बात कर सकते हैं। गाइस तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आप भी इंडी बैंक के कस्टमर केयर से डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं तो गाइस कुछ स्टेप से आप उससे डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं। गाइस तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस अंदर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइस।